वासुदेवाय ॐ नमो वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय I will speak in English. You want to understand English? No? Who doesn't understand English? Some ladies won't understand. Because my Hindi is not good. I am from Belgium. You try, the Hindi is good. Try, I try. But I need come here, here. Otherwise you will get lost there. No, you can sit here, not there. Okay, we come. Because I will ask questions. Huh? Then you get your Gita, everyone. Come, Prashna Pushindri. Aap sab haath mein Gita hai, aapke paas Gita hai. Aai, aage, idhar baithi, aai. अभी भूमिका चल रहा है भूमिका इंट्रोडक्शन ऐसा भूमिका हाँ हम आज भूमिका की पहले प्रश्न पूछेंगे गीता में कितना अध्याय है 18 अध्याय हाँ 18 गीता भी 18 दिन में नहीं झगड़ा कुरुक्षेत्र का झगड़ा 18 दिन था कितने दिन क्या और 18 था हाँ 18 अध्याय 18 क्या है हाँ अध्याय और 18 दिन 18 दिन दूसरा तीसरा 18 भी है क्या है युद्ध हुआ 18 दिन लेकिन दूसरी चीज भी है 18 दिन पर हम बताया 18 दिन क्या हो 18 क्या बोलते दक्षिणी आर्मी अक्षोहिणी क्या बोलते सेन अक्षोहिणी 18 ये गीता का और गीता पहले अध्याय का नाम कौन सा नाम है गुजराती भाषा में कौन सा गुजराती का नाम गीता जी जी हाँ 18 नाम 18 और प्रश्न है एक प्रश्न ये अध्याय में क्या है पहले अध्याय में ऑब्जर्विंग द आर्मी कौन कौन बता कर दूसरे के लिए थोड़ा उनके लिए जस्ट बाद में आएंगे आपके लास्ट हाँ उनके आपको थोड़ा हाँ से हो पहले थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लेकिन ये अध्याय में क्या है क्या इसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र हुआ अच्छा ओके क्या हो वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी क्या चल रहा है क्या चल रहा है ओके आप मदद पहले अध्याय में क्या क्या हुआ बेसिकली इट्स सेटिंग द सीन सेटिंग दिस सीन कौन सा सीन युद्ध का सीन और फिर गीता जी का प्रारंभ होगा ना कैसा प्रारंभ होगा क्योंकि वो रिश्तेदार क्या हो हाँ कौरव पांडव की दोनों सेना खड़ी थी और बीच में पांडव और बीच में कृष्ण क्या
जब अर्जुन देखता है अपने बंधु बांधव को सामने लड़ने के लिए तो हथियार डाल देता है कृष्ण के सामने। ये बात मटेरियल लॉजिक के हिसाब से ये कैसे सही है हथियार डालना, वो कृष्ण को समझा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहिए, हाँ क्यों? छह कारण है, छह, एक दीजिए, दो तीन चार पांच, पांच कौन? पहले कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते था, कारण क्या है? उसका सगा संबंधी सब सामने थे, सामने संबंधी, एक संबंधी, दूसरा गुरु जी, हाँ आगे पहले वाला कौन है? पहले पहले वाला दया, दया के कारण, कंपैशन। अर्जुन अच्छा भक्त था, वैष्णव, वैष्णव मतलब उनके पास अच्छा गुण है, देवता के गुण है उनके पास, और दया उनके हृदय में दया आया, बोला क्यों? अर्जुन बहुत एक बहुत क्षत्रिय था, पावरफुल था अर्जुन, लेकिन दया के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, ये पहले कारण दया। हाँ ठीक है, और कृष्णा क्या ने कहा? दया, दया को निकलने के लिए क्या किया कृष्णा? पीछे थोड़ा पीछे, ये राकेश है, राकेश है कि कृष्णा अर्जुन क्या किया? भगवत गीता का उपदेश, कौन सा उपदेश दिया? दया निकालने के लिए आत्मा के बारे में, आत्मा कौन बताया? आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के बारे में, आत्मा, यस हाँ, आत्मा के बारे में बताया ये दया, क्यों अर्जुन? और क्यों? जैसे हमारे, हम कुछ उदाहरण देंगे, जैसे बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए वो झूठ बोलना चाहिए, हाँ हम नहीं बोल सकते है, और बिजनेस के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते, क्यों? बिजनेस के लिए, बिजनेस का धर्म, जो लोग बिजनेस करते उनका धर्म क्या है? We have to make profit. Profit? क्या कुछ? लाभ लेना चाहिए, इसलिए झूठ बोल सकते। और क्षत्रिय का धर्म युद्ध में भी, उनके धर्म के जैसे युद्ध है और युद्ध करने चाहिए। और ब्राह्मण का धर्म क्या है? कभी कभी यज्ञ करने चाहिए, कुछ पहले ऐसा था, इसमें लिखा भी है कि कभी कभी पशु का हत्या करते यज्ञ में, पहले अभी कलयुग में नहीं करते, इसलिए अलग अलग धर्म। अर्जुन एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? वो दूसरों को के लिए प्रोटेक्शन देना, रक्षा देना, इसलिए वो दया था। और कृष्णा आत्मा के बारे में ये पहली दया, दूसरा वो दो परिवार था, कौरव था हा? और पांडव था, और दोनों अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। और एक प्रश्न आएगा, युद्ध करने के लिए कृष्णा क्या किया, कौन सा ये आएगा, मैं बाद में श्लोक देंगे, क्या किया, क्या जीवची करने के लिए क्या किया कृष्णा? ओके, अपने कर्म करने के लिए, लेकिन विशेष रूप क्या बताए? धर्म का रक्षा, ठीक है, लेकिन एक एक स्पेसिफिक चीज बताया कृष्णा, क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना, ठीक है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, लेकिन कृष्णा क्या किया? उन्होंने दिखाया कि आप युद्ध करो या ना करो, ये वैसे भी मरने वाले हैं, तो और कृष्णा ने बताया कौन सा श्लोक किया, ये जब आप युद्ध करेंगे आप स्वर्ग में जाएंगे, युद्ध करेंगे और मरेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे इस्लाम धर्म भी में है,
ऐसे भी बोलते, जब आप युद्ध करेंगे हाँ बदमी जन्नत में जाएंगे, जब मारेंगे मारेंगे। और कृष्ण भी ऐसा बताया कि जब आप युद्ध करेंगे आप और मारेंगे स्वर्ग में जाएंगे, जब आप भी जीत है क्या करेंगे आप राजा बन हो जाएंगे। इसलिए कृष्णा सही अंतिम ज्ञान नहीं दिया, समझ गए, he didn't give him the right knowledge to Arjuna। कृष्ण को पहले सही ज्ञान नहीं दिया कि बताया जब आप विजय होगा आप राजा बन सकते हैं, बाद में अंदर तृप्ति कर सकते हैं, बाद में मतलब जब आप मरेंगे आप एक अच्छे शरीर मिलेंगे, क्योंकि स्वर्ग का शरीर बहुत अच्छा है ना, क्यों अच्छा है, हम करोड़ों साल करोड़ों साल जी सकते स्वर्ग में, हाँ हमारे आयु लंबा है हमारे स्वर्ग में। और कृष्णा ये अभी अभी क्यों कृष्णा ऐसा किया, क्यों प्रश्न आएंगे, क्यों क्यों तुरंत सीधा ज्ञान नहीं दिया और अच्छा ज्ञान नहीं दिया, कारण क्या है? You can answer different, अलग अलग हम श्लोक हाँ क्यों इसलिए ड्रग्स हो सकते हैं, हाँ अर्जुन को इंद्रिय भोग का तरस वो लेके जाना चाहते थे, उसको रिजल्ट चाहिए था, अर्जुन तब तक वो शरीर का स्तर में था, जंग बॉडी लेते नॉट इन द आत्मा इज नॉट इन द सोल प्लेटफॉर्म ही वाज इन, समझ गए, या मटेरियलिस्टिक platform. So Arjuna was showing some, Krishna was showing some benefit for him. Benefit. If you are doing this, you will get it. Thank you, Aisa. Abhi hum dekhte, humare paas Muslim dharma, Muslim ke liye sirf swarga ke baare mein charcha chal raha hai. Haan? Aur kyun? Kyun? Aage gyan nahi hai Quran mein. Hai. Lekin kyun? And because we are No, I got your point, but he is right पक्का नहीं, ये ज़्यादा समझ गए? I got, हम शरीर स्तर में है, ये शरीर स्तर का ये ज्ञान योग में आएगा, लेकिन दूसरा चीज कारण के लिए दिया, कौन सा है? अर्जुन बहुत निराश हताश हो गया था, हाँ हताश, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पाता था, तो उसको ज्ञान दे के उसको उसका धर्म समझाया कि ये तुम्हारे युद्ध करना तुम्हारा काम, ये ज्ञान के स्तर है, ये आप अर्जुन सही बात हताश था असक्त था, लेकिन पहले क्यों स्वर्ग के बारे में अर्जुन कृष्णा बताएं, कारण क्या है, क्यों हम बाद में लड़ाई चल रही थी तो सामने मौत तो आने वाली है, कैसे आएगी, इसलिए उसको पहले नहीं बताया था, बाद में बताया, लड़ाई चलती थी। Did you understand my question or no? जैसे I say this in English and you translate. Then Krishna, he has given about how to go to the heaven. But why Krishna he didn't spoke to Arjuna directly? But knowledge, because knowledge is higher than svarga, yes or no? Yes. So who can translate this? Oh, gyan, they say, hum batayenge punya. Kaun sa sabse achcha hai? Punya karne ke liye ya gyan? Ek prashna hai. Kaun? Gyan. Oh. Jab hamare paas gyan hai, अभी लोग जैसे श्रीमद् भागवतम में सत छह स्कंद में आते एक प्रश्न है, चोरी क्या करते, चोर करते बाद में कहा जाते जेल में जाते, जेल में एक साल रहेगा बाद में बाहर जाएगा, बाद में क्या करेंगे, फिर से चोरी करेगा और ऐसा ही, कारण क्या है, वो चोरी उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान पुण्य इधर है और ज्ञान पुण्य से ऊपर, पुण्य के ऊपर है, हाँ समझ गए,
इसलिए अभी कृष्ण सिर्फ पुण्य के बारे में बताए, बोला आपका युद्ध कर दो, लेकिन ज्ञान के बल, लेकिन क्यों ऐसा किया ये प्रश्न मेरा है, क्यों? क्या वो अर्जुन को टेस्ट करना चाहते थे कि वो नहीं? टेस्ट इधर कुछ टेस्ट नहीं नहीं है, जैसे टेस्ट जैसे किसी छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद माँ का दूध ही जरूरी होता है, उसको हम मिठाई या स्वीट या कोई और डिश नहीं खिला सकते, इनिशियली उसको वही नॉलेज चाहिए जो उसको जरूरी है। अच्छा उदाहरण दिया, ऐसे कभी कभी बच्चा उनके पास हाथ में कुछ चीज, पिताजी बोलते हैं दो 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 दो, बच्चे को नहीं देना चाहिए, वो बच्चे के पिताजी क्या करते, एक मिठा देते हैं। नो, एक दूसरा अच्छा उदाहरण, दूसरा जैसे बच्चा बीमार है, हाँ वो पिताजी बोलते हैं आपका दवा खाओ, लेकिन बच्चा बोला बाद में क्या करते, एक स्वीट देते बाद में दवा देते। वो अर्जुन कृष्णा ऐसा भी किया, क्या किया उनके लिए, कर्म बोलते कर्मकम, स्वर्ग स्वर्ग मतलब कर्मकम दिया, वो कारण पुण्य करने के लिए, पुण्य समझ गए। जब जो लोग अभी हम सवेरे सनातन धर्म में गए, सनातन धर्म का मंदिर हम गए, इतना देवता ही देवता मन मालूम नहीं कौन सा देवता जैन, गणेश के पास जैन, हनुमान के पास जैन, हे दुर्गा हे कौन सा ही कौन, हाँ और कृष्ण भी अंदर है, लोग कुछ कृष्ण कौन है वो देवता भी है, ऐसा जो लोग कृष्ण भी एक देवता, विष्णु भी एक देवता, कौन दूसरा था, बालाजी बालाजी भी बोलते एक देवता है, लोग ऐसा उनके पास किया नहीं, लेकिन जब लोग उधार जाएंगे जाएंगे या करेंगे पुण्य करेंगे, बाद में जब पुण्य काफी है वो ज्ञान आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हमारी जो लोग अभी क्यों सब लोग भक्ति नहीं करते, कारण क्या है, उसके पुण्य में नहीं है, उसके पुण्य, हाँ उनके पास काफी पुण्य नहीं है, इसलिए सब लोग भक्ति नहीं करते, कारण पुण्य ने, और कृष्ण पहले कर्मकांड दिया, कर्मकांड मतलब स्वर्ग। जब हम क्यों अभी हम पूछेंगे एक लोग, कुछ बहुत लोग वो भागवत धाम बोलते नहीं है, ऐसे मुस्लिम लोग भी बोलते हैं ऐसे, वो स्वर्ग है नारक है भागवत धाम नहीं, उनकी पास श्रद्धा नहीं, लेकिन जब वो उनका धर्म कारण करते 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 उनके पास श्रद्धा स्वर्ग के बारे में पहले आएगा, जब वो स्वर्ग है नारक है बाद में ऊपर जा सकते हो, ओ भागवत धाम भी है, लेकिन अभी उनके पास ये अनुभव नहीं है कि उनके पास पुण्य नहीं है। अभी पुण्य कैसा कैसा जल्दी कर सकते हैं, एक प्रश्न आएगा कैसा, इस नाइस क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ना, कि वो जैसे हम अग्रवाल का उदाहरण देंगे, इंडिया में अग्रवाल क्या करते, हलो 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 और कितना करते, 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ हलो 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 अगर लेकिन रिक्शा वाला इतना प्राइस उनका हम भी पूछो पुण्य पुण्य कैसे जल्दी करना, हाँ प्रश्न कैसे कर सकते पुण्य, एक आएगा यार बताइए कौन कैसा, हाँ यू स्पीक इंग्लिश डू यू, डू यू वांट टू बिकम क्विकली रिच, यस हाउ नो क्विक, यू जस्ट मेक कॉल, हेलो
And this coming, everyone want to become rich quickly like this, but no one want to work hard. Why? I'm giving a prayer time. अभी पुण्य भी है ऐसा आपको जल्दी जल्दी पुण्य करना चाहिए हाँ कैसा कर सकते हैं ये प्रश्न हरे कृष्णा महामंत्र लेकिन अभी हमारे पास श्रद्धा नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा बड़ा पागल लोग है रास्ता में जाते हैं उनके पास ये ट्रेन में उनके पास ये जो भागता है उनके पास ज्यादा श्रद्धा है रास्ता में जाते और हरे कृष्णा हरे कृष्णा जो उनके पास श्रद्धा नहीं हो दे हाय हाँ हाँ श्रद्धा कैसा कर सकते हैं श्रद्धा पुण्य 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 सेवा करने हाँ सेवा करने पुण्य करने के लिए हाँ कहीं भी आप जैसे कि रास्ते में जा रहे हैं कोई तकलीफ है दुखी भी है उसको मदद करके डॉक्टर के पास लेके जाइए दवा कराइए उसके घर पहुंचाइए हाँ देखो ये दूसरा अच्छा है सेवा 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 भाव ये पुण्य है सेवा ये भी पुण्य ठीक है ये पुण्य है जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत तरह के कोई जानवर मिलता है जानवर मिलता है उसका भी सेवा करो कोई तकलीफ है उसको उठा के लेके जाइए डॉक्टर के पास दवा कराइए ये सारी चीज ही सिर्फ मनुष्य का नहीं जानवरों को भी जरूरत पड़ती है सहायता लेकिन ये पुण्य इसमें भी एक श्लोक आते हैं गीता में जैसे हम एक गरीब आदमी के लिए हम एक रुपया दिया अगली जीवन वही रुपया आएगा ये प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट हम ज्यादा हजार रुपये लेकिन शास्त्र ये श्लोक हम पढ़ सकते हैं लेकिन जैसे लेकिन शास्त्र बोलते जब वैष्णव सेवा करेंगे वो यहाँ जा रहा हूँ फल मिलेंगे समझ लिया जैसे कुछ आदमी हॉस्पिटल करते ये भी पुण्य है हॉस्पिटल बनाते ये गरीबों को लोग क्योंकि गरीब के लोग कुछ देना पैसा लेकिन शायद वो एक शराब खरीदेंगे वो आप एक शराब खरीदेंगे बाद में किसका गलती आपका गलती हाँ इससे वो कर्म बहुत कठिन है आप उनके लिए 200 दिया लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं वो एक विस्की बियर पियेंगे बाद में घर में जाएंगे शायद दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे और मारेंगे वो किसका गलती इसलिए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मालूम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की गुरु है वो एक प्रवचन ऐसा देते बोलते और एक आदमी आया उनके पास बोला तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बोलेंगे और दान के लिए लोगों के लिए क्यों सेवा नहीं करते ये दो प्रॉब्लम मानव सेवा यादव सेवा कौन सा सबसे ऊंचे मानव सेवा यादव सेवा मानव सेवा मतलब क्या है हाँ जन्म मृत्यु जरा व्यधि नहीं रोक सकते जन्म मृत्यु जरा व्यधि दोष अनुदर्शन भागवत दोष ये जन्म के कारण हम दुखी मृत्यु के कारण हम दुखी वृद्धता के कारण भी दुख आएगा ये चार दुख है लेकिन इसलिए ज्ञान और ज्यादा महत्वपूर्ण देने के लिए ये प्रश्न आएगा क्यों अर्जुन कृष्णा को कर्मकांड के बारे में पहले बताया क्योंकि पुण्य करने के लिए जब हमारे पास पुण्य है काफी ज्ञान आएगा ज्ञान ज्ञान कैसा आते हैं पुण्य करने के कारण लेकिन हम बताएं अभी प्रश्न पुण्य कैसे जल्दी जल्दी करना कर सकते ज्ञान वी हैव टू डेवलप नॉलेज
हमको ज्ञान हमसे दे बोलो कोशिश करा बढ़ाने का विकास विकास करना चाहिए बढ़ाना करना चाहिए ज्ञान। जब हम रोज पढ़ते हैं ऐसा गीता हमारे पास समय है जब ये ज्ञान है और बाद में पुण्य आएंगे मतलब ज्ञान का पुण्य। हाँ कुछ प्रश्न है ज्ञान का पुण्य ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान क्योंकि कौन सा श्लोक आएगा बहुनाम जमाना मानते ज्ञान अवल ज्ञान अवल मतलब क्या है ज्ञान अवल मन प्रपद्यंत ज्ञान अवल माम प्रपद्यंत शरणम मम। जो लोग उनके पास ज्ञान वो क्या करते शरणम बाद में उनका ज्ञान मतलब क्या है वासुदेवम सर्वम इति वो वासुदेव ये मूल है सा महात्मा सुदुर्लभ ये महात्मा बहुत दुर्लभ है इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हमारे पास दो हम कल बताया ये चैतन्य महाप्रभु क्या दिया बोलते बोलो हरे कृष्ण जब हम बोलते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हमारी मन जल्दी जल्दी शुद्ध है और हम बाद में जब पढ़ेंगे ज्ञान आएगा बाद में हम 23 करोड़ के देवता को क्या करते निकलते क्यों हम 23 करोड़ के देवता को कैसा प्रसन्न कर सकते हाउ यू कैन यू कैन बी डिफिकल्ट 23 करोड़ मान लिया कन्हैया जी ना रे ये दारे ओ ये हनुमान हनुमान चालीसा काली माता का चालीसा जैसे एक उदाहरण देते जैसे हमारे पानी है और हम पानी कहाँ डालते पानी हमारे पास एक वृक्ष है और पानी हम कहाँ डालते जड़ मतलब कृष्ण लेकिन हम ऑफन कभी कभी हम कहते पत्रा पत्तों के लिए हम इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं जाते स्लो हम वेरी स्लो वी आर वेरी स्लो स्लो कारण हमारी बुद्धि कम है इसलिए बुद्धि है क्यों हम जब पानी मूल में डालेंगे भगवान को सब देवता लोग प्रसन्न इतना प्रसन्न देवता लोग भी बदजीव है शिव जी नहीं है ये अलग है शिव जी अलग लेकिन दुर्गा गणेश सूर्या यमराज ब्रह्मा ये सब बदजीव उनका पिछले जन्म उनके पास बहुत पुण्य था इसलिए उनके लिए एक पोस्ट दिया हमारा पोस्ट दिया। आई एम लुकिंग फॉर द वर्स एक श्लोक हम पढ़ेंगे साथ साथ बाद में मन में फिक्स हो जाएगा कि कृष्ण क्या बताया ये श्लोक I am looking for the best. Which adhyaya? ये कौन सा adhyaya में आते? अध्याय में आते
37 हिंदी में क्या बोलते 37 ओके पढ़िए गुजराती भाषा में पढ़िए हिंदी भाषा में पढ़िए और इंग्लिश भाषा में पढ़िए ऐसा संस्कृत हम संस्कृत और बताएंगे।